This is Pushpa Nagar and welcome to my YouTube channel. Pushpa, 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 Pushpa Raj. Pushpa, 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 Pushpa Raj. Pushpa, 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 Pushpa. So guys, आज हम जा रहे हैं फर्रुखाबाद में. एक बार फिर से आ गए नए ब्लॉग में. इनकी भी सुन दो. तो हम जा रहे हैं फर्रुखाबाद में होने वाला है सेलिब्रिटी मीटअप. तो आप सबको मालूम है कि यहाँ सब से यहाँ पे कंटेंट ही इतना होता है. हम लोग डेली ब्लॉग बनाते हैं, डेली सेलिब्रिटी है. आप लोग इतना खुश रहते हो हम लोग के ब्लॉग देख. ब्लॉग तो यार बहुत लेट आते हैं हमारे, बट एक मीटअप है. हम लोग जा रहे हैं फर्रुखाबाद के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्ट मतलब करते हैं, पेंटिंग करते हैं या फिर सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं या मॉडल हैं, सबका एक मीटअप है. तो वहाँ पे हमको बुलाया गया एज ए गेस्ट. हम जा रहे हैं, जस्ट मिलते हैं सबसे. वहाँ पे मज़ा आएगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी होगा, सबका परफॉर्मेंस होगा. हमारे पास हमारे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे भी परफॉर्म करेंगे. हुआ तो मैं भी एक शोकेस करूँगा. बाकी है हमारा गोल्डन बॉय भी करने वाला है, डांसर गोल्डन बॉय. बाकी ये वो ये लोग भी हैं, दो मुँह बोली बहनें, ये भी डांस करने वाली है. डुओ, तो लेट्स गो. अभी निकलते हैं, क्लास में ही है. और ये बच्ची भी खतरनाक डांस करती है, मगर रो रही है अपने पापा मम्मी को याद करके. सो अब जस्ट हम लोग निकल रहे हैं आज अपनी क्लास से. बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तैयार होके भी होलिया खराब हो रही है. निकल रहे, नवनीत सर आ गए हैं, इनके वेट कर रहे हैं इनका, इनकी नवनीत सर. एक हफ्ते तक इनके नवनीत सर रहेंगे. मजा आएगा. ओह मजा. ये रेस्टोरेंट है जहाँ हम नहीं खाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है. तो हम यहाँ देख के मन भर लेते हैं. तो यहाँ और ये ब्यूटी पार्लर है, मगर ये ब्यूटी नहीं है. तो हमारे नवनीत सर आ गए हैं, दिल बिच बन गए आज. एक गाड़ी, इतने सारे लोग इस पर लद के जाएंगे सेलिब्रिटी मीटअप में. एक गाड़ी पर आ रहा है. तो हम आ चुके हैं हमारे वेन्यू पे, गंदे चेहरों के साथ, फर्रुखाबाद आइडल. जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो है ये सेलिब्रिटी मीटअप. सेलिब्रिटी इधर ये सेल की बैटरी है, ई रिक्शा की बैटरी है, ई रिक्शा की. अंदर कैमरा यही रहना चाहिए. दिल बच तेरे ले टाइम खड़के अंदर देख क्या पहले सकती क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड हो क्या? ऐसे बोल रहे हो. श्रीमती नवनीत वर्मा, शायद जंगल में कोई होगा. श्रीमती नवनीत वर्मा, नवनीत क्या लाए हो खाने के लिए इसके? सोन पापड़ी. सोन पापड़ी खाओ 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 खाओ. बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कर लीजिए, उसके बाद आप बोल ले रही है. दूसरी रेडी है, अश्मीरा से हाय. से हाय. ओके, अश्मीरा फुल रेडी है, बट शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल जो इसके साथ डांस करने वाली है. इसके साथ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट इन फर्रुखाबाद. रेडी है, डन. चलो गाइस, कोई क्लैप नहीं कर रहा, देखो मैं क्लैप करवाता हूँ. और अगर बात सम्मान की हो तो एक अकेली नारी दुनिया की सोच बदल सकती. हमारी अश्मीरा का परफॉर्मेंस हो गया. अश्मीरा ने पावर तोड़ परफॉर्मेंस. अभी दूसरा परफॉर्मेंस, अभी गोल्डन बॉय आ गया हमारा परफॉर्म करके. पावर तोड़ अभी बचे गए हैं. ओह
इन लोग का डुओ अभी गोल्डन बॉय अश्मीरा और इसका सबका परफॉर्मेंस की डिमांड आएगी तो मैं करूँगा नहीं तो नहीं हमारे इस मंच पर पिछली बार ये कुछ शूटिंग में बिजी थे, इनकी कुछ मूवीज भी आई है साउथ वगैरह में, उन्होंने रोल किया हुआ है और कई शोज भी जा चुके हैं ये डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो जोरदार तालियां पुष्पा नागर, बहुत सारे परिचित होंगे इंस्टाग्राम पे और अभी एक परफॉर्मेंस भी इनके, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे पुष्पा नागर की परफॉर्मेंस। सो हेलो गाइस, तो अभी भैया हम लोग बाहर आ चुके हैं और भैया अंदर तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार वैसे नहीं, सॉन्ग वगैरह रेडी करवा रहे हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस होगा, बहुत मजा आएगा, हम वो भी दिखा देंगे आपको। तो फिर हम लोग जल्दी से बस ये बोलना चाहते हैं कि अभी भैया कल आप चले जाओगे ना शाम को, सॉरी आज जाओगे, हम लोग आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे रहेंगे, समझ नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं कैसे रह पाएंगे, पिछली बार भी इतनी मुश्किल से रहते, पता नहीं कैसे काटेंगे, तो एक हफ्ता ये भगवान, सोच कहीं पर कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, आपको जाना ही पड़ेगा, अब बस आप जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ प्लीज, और बाकी हम आपसे बहुत सारा प्यार लेते हैं, लव लव यू यू लव यू लव यू बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है। पुष्पा द फायर टीवी शो पे भी दिखा था, वही पुष्पा है जो फायर है, कैसा लगा आपको जोरदार परफॉर्मेंस? कोरियोग्राफर है फरूखा हाथ के, और बाकी में झंडे गाड़ रहे हैं, इनके सिखाए हुए बच्चे स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शोज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रहता है पुष्पा, फायर ही लग रहा है, इतना हीट लग रहा है बॉडी, बाकी में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, कैसा लगा सबको, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। ओके, मैं बहुत टाइम के बाद फरूखाबाद में, अभी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया है एज ए सोलो, बट बहुत सारे शोज मैं बाहर कर रहा हूँ फरूखाबाद में, ऐसा टाइम नहीं मिला था कि फरूखाबाद में कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि मैं जो टीवी पे गया था कैसे गया था, ताकि आप सबको भी तो पता चले कि पुष्पा ने किया था, क्या किया था, सिर्फ यही देख लिया पर पूरा तो देखने को मिला, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मुझे भी एक टाइम मिले सबके सामने जो अपने फरूखाबाद में कहीं परफॉर्म कर पाऊँ, तो संजीव भैया के इस प्रोग्राम में मैंने किया, शायद आप लोग को अच्छा लगा ये डांस। तो गाइस हमारा परफॉर्मेंस हो गया, हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, फुल मजा आया एकदम से सेलिब्रिटी मीटअप में, बाकी एक सेलिब्रिटी रह गई हिमांशु के, पूरे मेरा परफॉर्मेंस ही नहीं यार, पूरे 121 फॉलोवर है, फिर भी इसको ऊपर बुलाया, आईडी भी नहीं बताई मेरी, इसकी आईडी बैन हो गई, वो भी इसे बताने वाला था कि स्टेज पे शायद कोई वापस करवा दे आईडी को, मगर ये जा ही नहीं पाया, क्या करें, कल बुलाएंगे ना, पूरे 121 फॉलोवर है फिर भी इसे सेलिब्रिटी मीटअप में नहीं बुलाया, बताओ, बुलाया लेकिन बाहर खड़ा कर दिया, अंदर चल रहा सो और ये बाहर खड़े हुए कार के पास, क्या यार कोई फायदा नहीं फॉलोवर का, भैया कल स्टूडियो आना हमारे वाला ब्लॉग देखो, तो खत्म हो गया प्रोग्राम सब, मेरे 12 बज चुके हैं, मेरे भी 12 बज चुके हैं, ये बच्चा है, बाकी सबको भी कुछ दे रहे हैं वो लोग, शायद पैसे से दे रहे हैं, एक एक लड़की मेरे को उधर से देख रही है, पता नहीं कौन है ये लड़की, स्माइल कर रही है, बिल्कुल 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 मैम, तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं स्टूडियो, हो गया सब मीटअप मजा आ गया, सब परफॉर्मेंस किया हमने और बच्चों ने, हिमांशु का भी एक मीटअप था, पता नहीं कहां मीटअप करके आया ये अकेले, अब हम जा रहे हैं स्टूडियो वापस, क्योंकि बहुत ज्यादा मजे कर लिए, सीधा स्टूडियो निकले, बच्चों को पहले भेज दिया, वो लोग गुस्सा करेंगे,
बहुत सारे लोग चाय चाय कॉलिंग लोग कह रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। दाल चावल सब खा के आया था, मगर उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि अंदर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। यहाँ पे लोग कह रहे थे जल्दी आओ इसलिए अंदर। हाँ चलो आ गए स्टूडियो, ये रहा अपना ऊपर। तो अभी स्टूडियो आ गए, स्टूडियो बंद है, सब बाहर बैठे हुए हैं, हम भी बाहर हैं। नवनीत हमारे चाबी ले गए अपने साथ, आएंगे डेढ़ घंटे बाद। अंदर लाइट भी चालू है ना? सब चालू कर गए, अंदर लाइट भी चालू है। वाह नवनीत, थैंक यू सो मच। चाबी लेने जा रहे हैं नवनीत घर से। सो गाइस अभी हम स्टूडियो में आ गए, चाबी हम ले आए नवनीत के घर से। तो हम नवनीत स्टूडियो में बैठ गए हैं, ये बैठी हुई है। ज़्यादा थक गए इन लोगों ने डांस किया है, हम तो नहीं थके, थक गए। तो अब हमारी बस है, हम निकल रहे हैं आज रात को इधर से फरुखाबाद से दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं, कुछ काम है, वो आपको दूसरे व्लॉग में पता चल जाएगा क्यों दिल्ली जा रहा हूँ। तब तक के लिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं इन गंदी शक्लों के साथ। ओह शर्मा गए, शर्म आ रहे उसे। चलो अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।